पिछले कुछ दिनों से 10 मिनट में खाना डिलीवर करने की होड़ लगी हुई है। अब देखिए ना, जोमैटो के बाद ओला ने भी 10 मिनट में खाना डिलीवर करने की तैयारी कर ली है। दरअसल ओला ने सर्विस का ट्रायल शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ओला ने बेंगलुरु में अपनी नई सर्विस की टेस्टिंग शुरू कर दी है। खाने की फास्ट डिलीवरी के लिए कंपनी अपनी ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस ओला डैश का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि अभी सर्विस के मेन्यू में लिमिटेड खाने की चीजें ही उपलब्ध हैं। और इस मेन्यू में है क्या क्या बता देते हैं। इस 10 मिनट फूड डिलीवरी सर्विस में आपको मिल पाएगी खिचड़ी, पिज्जा और काठी रोल जैसे आइटम के ऑप्शन। कंपनी का दावा है कि उसका खाना एकदम ताज़ा बना होगा। आपको याद होगा, ओला ने कुछ साल पहले फूड डिलीवरी कंपनी फूड पांडा का अधिग्रहण भी किया था। इसके अलावा ओला अपनी ओला फूड्स नाम की कंपनी के अंडर खिचड़ी एक्सपेरिमेंट, पराठा एक्सपेरिमेंट, बिरयानी एक्सपेरिमेंट और नाश्ता एक्सप्रेस नाम से किचन भी चलाता है। अब इन फूड डिलीवरी एप्स की वजह से इस 10 मिनट की डिलीवरी का हाइप तो हो रहा है, लेकिन साथ में आलोचना भी। आपको याद होगा, पिछले दिनों जब जोमैटो ने सर्विस को शुरू किया था तो लोगों ने फूड डिलीवरी पार्टनर्स की सेफ्टी और उन पर पड़ने वाले दबाव को लेकर चिंता जताई थी। और इस पर जोमैटो ने सफाई दी थी कि वो इस सर्विस को लिमिटेड एरिया में ही स्टार्ट करेंगे। साथ ही मेन्यू में भी ऐसी चीजों को शामिल किया जाएगा जिन्हें जल्द से जल्द तैयार करके डिलीवर किया जा सके। इससे पहले ग्रोफर्स यानी ब्लिंकिट ने जब 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी करने की सर्विस शुरू करने की बात कही, तब भी कंपनी को ऐसी ही आलोचना झेलनी पड़ी थी। वैसे ये बात तो है कि आज का दौर झटपट का है, किसी के पास ज्यादा समय नहीं है, कोई वेट नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं कि बिना वक्त लगे काम हो जाए। इसी वजह से ये 10 मिनट में खाना डिलीवर करने की होड़ लगी हुई है। लेकिन वहीं कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी भी किसको है, और यहाँ ना सिर्फ खाने की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि डिलीवरी बॉय की सेफ्टी पर भी। क्योंकि अब तक 10 मिनट में खाना पहुँचाने की जल्दी में वो डिलीवरी बॉय अपनी और कितनों की जान जोखिम में डालेगा। ये मामला संसद में भी उठा था। संसद में डिलीवरी बॉय की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा था कि एक्सीडेंट होने पर ऐसे डिलीवरी बॉयज को इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा भी नहीं देती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जोमैटो के कर्मचारी सलिल त्रिपाठी की डिलीवरी करने के दौरान मौत हो गई थी। सांसद ने सरकार से इन डिलीवरी कंपनियों को रेगुलेट करने की मांग की थी। उन्होंने साफ कहा था कि अकारण डिलीवरी टाइम 10 मिनट का रखकर डिलीवरी बॉय की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल समस्या ये है कि कंपनियों में तेज या फिर ये कहें कि सर्वश्रेष्ठ बनने की होड़ लगी है। कोई 24 घंटे में डिलीवरी की बात करने लगा तो सुबह शाम का पैटर्न शुरू हुआ, बाद में 2 घंटे, आधे घंटे और अब 10 मिनट में डिलीवरी का नया फॉर्मूला गढ़ा गया है। आपको बता दें, हाल ही में ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने कंपनी के एम्प्लॉइज को एक ईमेल लिखकर कहा था कि अब कंपनी के रोजमर्रा के काम से वो थोड़ा दूरी बनाएंगे। इसकी वजह वो नए सेगमेंट और बिजनेस पर फोकस करेंगे। अब वो इंजीनियरिंग से जुड़े कार्यों, टीम बिल्डिंग और प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देंगे। साथ ही वो टू व्हीलर, कार और क्विक कॉमर्स जैसी लंबी अवधि के रणनीतिक प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेंगे और विदेशों में कंपनी के विस्तार पर ध्यान देंगे। बता दें कि ओला का रोजाना का कामकाज अब जीआर अरुण कुमार संभालेंगे, जो फिलहाल ओला के ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और ओला इलेक्ट्रिक के सीएफओ हैं। जीआर अरुण कुमार ने करीब एक साल पहले ओला को ज्वाइन किया था। न्यूज़ तक फिरो।